हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, अगर आप में से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट रखता है तो आपको ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि एप्पल, जो कि एक फ़ोन एंड लैपटॉप जैसे गैजेट्स बनाती है, वो अब जल्द ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लेकर आने वाली है। एप्पल के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने की बात लगभग 2014 से चल रही है। इस साल ये बात ऑफिशियल हो गई कि एप्पल अपनी एक इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है जिसका नाम होने वाला है आई कार। एप्पल ने इसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से टॉप इंजीनियर्स को भी हायर करना शुरू कर दिया है। एप्पल की ये कार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी पे काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। बैटरी की साइज यहाँ पर कम होगी, लेकिन कैपेसिटी यहाँ पे इसकी बढ़ने वाली है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ये सब अचीव भी कर सकती है, क्योंकि एप्पल ने पहले से भी काफ़ी सारे इन्वेंशंस कर लिए हैं। एप्पल की ये कार 2024 में लॉन्च होगी और इसका प्रोडक्शन टेस्ला की कार्स की जैसे काफ़ी बड़े लेवल पे होने वाला है। आई कार के अलावा एप्पल अपनी एक रोबोट ड्रिवन टैक्सी प्रोजेक्ट में भी काम कर रही है जिसका कोडनेम है टाइटन। तो आगे आने वाले टाइम पे एप्पल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एप्पल को भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। खैर, एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी आई थी जिसका नाम है मोनार्क इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जिसके ऊपर मैंने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।